हेलो फ्रेंड्स uh, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय निपुण भारत इस टॉपिक में से मैंने नोटिस किया कि फाइव सिक्स क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर एक सीट में मेरा एग्ज़ाम ट्वेंटी नाइन जनवरी को था तो उसमें मैंने देखा कि लैंग्वेज सेक्शन में भी हिंदी एंड इंग्लिश में भी निपुण भारत से क्वेश्चन आए थे एंड मैथमेटिक्स में भी आए थे सो so, मैंने सोचा के चलो इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो निपुण भारत इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एम क्या है फोकस आ, किस किस पॉइंट पे है इसके की कंपोनेंट में आ, क्या है लैंग्वेज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सो so, ये जो भी मैंने टॉपिक चूज़ किया है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, स्टार्ट करते हैं so, सो सबसे पहले निपुण भारत फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसका एम है कि हर एक बच्चा देश का हर एक बच्चा फाउंडेशन लिटरेसी अटेंड कर सके यहाँ एफ एल एन यहाँ एफ एल एन का आ, मीनिंग है फाउंडेशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन तक क्लास थ्री तक के बच्चे को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है सो so, इसका फोकस क्या है ये फोकस में से भी क्वेश्चंस आया हुआ है आपके सेट में सो so, इसका फोकस ये है कि थ्री टू नाइन इयर्स के जो बच्चे हैं और अप तो टू क्लास थ्री तक उनको अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए और फोर्थ टू फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं जो अभी तक जिनमें फाउंडेशन स्किल अटेन नहीं हुआ है उनको इंडिविजुअल टीचर्स गाइडेंस करें और सपोर्ट करें जो वो मिस कर दिए हैं सो so, इसका की कॉम्पोनेंट दो की कॉम्पोनेंट है एक लैंग्वेज एंड लिटरेसी से रिलेटेड और दूसरा फाउंडेशन इन न्यूम्रिस से रिलेटेड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सो लैंग्वेज एंड लिटरेसी में कौन कौन से आ, की कॉम्पोनेंट है सबसे पहले औरल लैंग्वेज इसमें क्या है कि आपका लिसनिंग औरल वाकेबरी और कन्वर्सेशन स्किल इम्प्रूव हो जाना चाहिए दूसरा है डिकोडिंग डिकोडिंग मीन्स इसमें क्या है कि आ, आपको सिंबल एंड साउंड के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए नेक्स्ट है रीडिंग फ्लुएंसी इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में सो रीडिंग फ्लुएंसी में है कि बच्चा क्लास टू और क्लास थ्री के एंडिंग तक फोर्टी फाइव टू सिक्सटी वर्ड पर मिनट रीड कर सके फ्रॉम अननोन टेक्स्ट बुक ठीक है और राइटिंग में इसमें अक्षर और वर्ड्स का ज्ञान अच्छे से हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ क्लास सेकंड एंड थर्ड नेक्स्ट फाउंडेशन इन न्यूमरेसी इसमें से भी क्वेश्चन आया था यह है प्री नंबर कंसेप्ट इसमें प्री आ, नंबर कंसेप्ट में क्या है कि बच्चे को आ, टू एंड थ्री क्लास टू एंड थ्री तक काउंटिंग और नंबर सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए नेक्स्ट है नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर इसमें क्या है कि मैथमेटिक टेक्निक में उन्हें मास्टरी हासिल कर लेनी चाहिए थ्री टू नाइन इयर्स के बीच नेक्स्ट है सेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है कि सेप और थ्री डिजिट नंबर जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होते हैं उसका अप्लाई करना उन्हें आ जाना चाहिए उनको इन शॉर्ट सिंपल कैलकुलेशन अप टू तो थ्री डिजिट नंबर तक उन्हें कैलकुलेशन करना आ जाना चाहिए मेजरमेंट में क्या है कि मेजरमेंट में वो एडिशन सब्सट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अप टू तो थ्री डिजिट नंबर सॉल्व कर पाए इतना उनमें अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए नेक्स्ट डेटा हैंडलिंग इसमें यही बताया गया है कि उन्हें सिंपल पैटर्न या फिर रिपीटेशन ऑफ सेप और डे टू डे लाइफ में जो भी सेप और डेटा से आ, वो इंटरेक्ट होते हैं उन्हें पहचानना आ जाना चाहिए सो so, ये था निपुण भारत के टॉपिक पे वीडियो ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है और Uh, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मैंने देखा कि निपुण भारत टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इनफैक्ट जितना मैंने वीडियोस uh, में बताया ना इसी में से आपको फ़ाइव सिक्स क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको फाइव सिक्स क्वेश्चन इसी में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ डोंट फॉर्ग टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच